Assalamu alaikum guys, this is Vaseem Raja. I hope you all be in the pink of health and well-being. Today we are going to talk about reproduction. Did you know that reproduction is a creating of babies and making kids? It's a important business to the nature. Okay, and this reproduction is a fundamental quality of all living beings. Okay. Which exists as a result of reproduction, okay? And this reproduction, we can say this is a main feature of life on this planet, namely Earth, creating babies, and this is done by this reproduction. So let's get going in details. Reproduction means procreation, or we can say breeding. Or we can simply say to reproduce. Reproduction means to reproduce, which enables and ensures the continuity of species generation after generation. जो reproduction जो होती है ये एक biological process होती है, ठीक है? यहाँ बता सकते हैं ये एक organic process है, ठीक है? जिसकी वजह से क्या होता है? By which new individual organisms are produced, okay? जनरली रिप्रोडक्शन के टू टाइप्स होते हैं. आपको पता ही होगा, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि रिप्रोडक्शन के जनरली टू टाइप्स होते हैं. एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल में, और उनमें क्या होता है, उनमें फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट होता है और फ्यूजन ऑफ फीमेल गैमेट होता है. और फिर आगे जाके क्या होता है, जब उनका यूनियन होता है तो फिर क्या होता है, फिर वहाँ पे जाइगोट बन जाता है. वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और जो उसमें ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं टू देयर पेरेंट्स. ओके, आज का जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. हम देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं. तो यहाँ पे पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, ये मेजर ऑर्गन होता है, ठीक है? और टेस्टिस होते हैं पेयर्स में, एसेसरी डक्ट्स होते हैं, और एसेसरी डक्ट्स के साथ जुड़े हुए ग्लैंड्स होते हैं, और होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है? यहाँ पर हम देखेंगे ये यहाँ पे टेस्टिस है, ये टेस्टिस जो होता है, दिस टेस्टिस इज फाउंड सस्पेंडेड इन द सेक्रोटल सैक ऑफ सेक्रोटम. ओके, ये इसकी कवरिंग होती है, ठीक है? ये टेस्टिस जो होता है ये एब्डोमेन से बाहर होता है, मेल्स में ये मेल्स के अंदर ये बाहर होता है, एब्डोमेन से बाहर होता है. क्यों बाहर होता है? क्योंकि हमारी जो बॉडी का जो कोर टेम्परेचर होता है वो सूटेबल नहीं होता है, ठीक है? क्यों सूटेबल नहीं होता है? क्योंकि जो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है टेस्टिस के अंदर उसके लिए वो सूटेबल नहीं होता है. हमारी बॉडी से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, लोअर रेंज टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तब जाके इस स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है? इसलिए नेचर ने इसको मतलब बाहर रखा है, एब्डोमेन से बाहर रखा है, ठीक है? यहाँ पर हम देखेंगे ये यहाँ पर टेस्टिस है, ठीक है? और टेस्टिस जो है, टेस्टिस के अंदर यहाँ से स्पर्म रिलीज होते हैं. ये यहाँ पे कुछ एसेसरी डक्ट है ये यहाँ ऊपर एब्डोमेन में पहुँचने की कोशिश करता है, यहाँ ऊपर एब्डोमन में पहुँचने की कोशिश करता है. जब हम किसी को सुपरफिशियली देखते हैं या फिजिकली देखते हैं, हम उसके अंदर टेस्टिस देखते हैं और पेनिस देखते हैं, ठीक है? लेकिन ये जो टेस्टिस आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो इस डायग्राम में नहीं दिखाए गए हैं. इसका जो माइक्रोस्कोपिक व्यू है, इसका जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे है, यहाँ पे आपको दिखाऊंगा. ये टेस्टिस है, इस टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? बहुत सारे कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे कुछ लब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, देखिए ये यहाँ पे कुछ लब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बताते हैं टेस्टिकुलर लब्यूल्स. ये लगभग 250 तक होते हैं. और ये जो टेस्टिकुलर लब्यूल्स हैं, टेस्टिकुलर लब्यूल्स के अंदर ये जो आप यहाँ पे ये कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये उलझा हुआ स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है, इसको हम बताते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स.
सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो है ये 1 से 3 तक होते हैं, ठीक है। और ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो है इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए। देखिए यहाँ पे ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है और ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो है ये स्पर्म की फॉर्मेशन को करते हैं। यहाँ से जब स्पर्म को रिलीज किया जाता है, देखिए यहाँ से स्पर्म रिलीज होगा और ये यहाँ रेटी टेस्टिस में पहुँचने की कोशिश करेगा, ठीक है। रेटी टेस्टिस तक जो ये पार्ट होता है ये टेस्टिस का पार्ट होता है। उसके बाद ये एक्सपोज होता है टू द एब्डोमेन, ठीक है, टू द एब्डोमेन। और ये रेटी टेस्टिस की मदद से ये वास एफरेंस में पहुँचने की कोशिश करेगा, वास एफरेंस में पहुँचने की कोशिश करेगा। आगे जाके क्या होगा, वास एफरेंस में पहुँचने के बाद ये ईपीडी डायनम्स में खुलेगा, ईपीडी डायनम्स में खुलेगा। और ये जो ईपीडी डायनम्स है, ईपीडी डायनम्स है यहाँ पे स्पर्म्स को स्टोर रखा जाता है, यहाँ पे स्पर्म्स स्टोर रहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ तक स्पर्म्स को पहुँचने में 1 हफ्ता लगता है, ठीक है। तो ईपीडी डायनम्स में जब ये स्पर्म आया तो फिर ये वास वास डिफरेंस को एसेंड करता है, ये वास डिफरेंस में पहुंचता है। आई विल एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम। देखिए यहाँ पे ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, इन कंपार्टमेंट्स के अंदर बहुत सारे लब्यूल्स हैं जिनको हम टेस्टिकुलर लब्यूल्स बताते हैं। और इन टेस्टिकुलर लब्यूल्स के अंदर ये जो गना हुआ स्ट्रक्चर है इसको हम सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स बताते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो है ये स्पर्म्स को यहाँ से रिलीज करते हैं। यहाँ से स्पर्म जब रिलीज होगा तो ये रेटी टेस्टिस की मदद से वास एफरेंस में पहुंचेगा। वास एफरेंस किस में जाके खुलेगा, ईपीडी डायनम्स में खुलेगा। ईपीडी डायनम्स किस में जाके खुलेगा, वास डिफरेंस में खुलेगा, ओके। तो ये इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ये यहाँ पे जो यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, ठीक है, ये छुपा हुआ पार्ट था, ठीक है। जब यहाँ से वास डिफरेंस में ये स्पर्म्स पहुंचे, यहाँ पे यहाँ से स्पर्मेटोजोआ जो है यहाँ पहुँचा। देखिए मैं इस रास्ते को ट्रेस करते चलूँगा, यहाँ पे पहुँचा तो ये यहाँ ऊपर ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे ये एक कर्व बनाता है, ये एक कर्व बनाता है और पहुँच जाता है यहाँ पे। और आगे क्या होता है, आगे इसकी मुलाकात होती है सेमाइनल वेसिकल्स से, ठीक है, सेमाइनल वेसिकल्स है। और ये सेमाइनल वेसिकल्स जो होते हैं ये अपनी सेक्रेशंस को इस स्पर्मेटोजोआ के साथ, यहाँ स्पर्म के साथ, यहाँ बता सकते हैं सेमाइनल फील्ड के साथ एड ऑन कर देता है, ठीक है, एड ऑन कर देता है। और इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, ये अपनी 70% सेक्रेशंस को इस सेमाइनल फ्लूइड के साथ एड ऑन कर देता है। आगे जाके क्या होता है, आगे जाके और एक ग्लैंड इसके साथ मिल जाता है जिसको हम बताते हैं प्रोस्टेट। ये प्रोस्टेट जो है ये अपनी सेक्रेशंस को, ये अपनी सेक्रेशंस को क्या करता है, इस स्मेल फ्लूइड के साथ एड ऑन कर देता है, ठीक है। आगे जाके ये कॉमन, आगे जब ये पहुंच जाएगा ये कॉमन डक्ट बनाता है जिसको हम बताते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, ये इजैकुलेटरी डक्ट में पहुंचता है। और यहाँ नीचे और एक ग्लैंड होता है जिसको हम बताते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है ये भी अपनी सेक्रेशंस को, कुछ एंजाइम्स को इस सीमन के साथ एड ऑन कर देता है। इसका बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है इसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, लेकिन ये म्यूकस को इस सीमन के साथ मिला देता है। और फिर आगे जाकर क्या होता है, फिर हमें मदद मिलती है ल्यूब्रिकेशन में, ठीक है। और यहाँ पे जब ये पहुँचा, ये इसकी सारी सेक्रेशन इसके साथ मिल गई, स्माइनल वेसिकल्स की सेक्रेशन मिल गई, प्रोस्टेट की सेक्रेशन इसमें ऐड ऑन हुई, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की सेक्रेशन इसके साथ ऐड ऑन हुई। ये क्यों है, इसके साथ ये इसकी सेक्रेशन क्यों ऐड ऑन हो जाती है, ठीक है। जो ये सीमन होता है, जो स्पर्म होता है, स्पर्म को एनर्जेटिक बनाने के लिए, स्पर्म की मोटिलिटी को मेंटेन रखने के लिए, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसको सर्वाइव रखने के लिए, उसको लाइव रखने के लिए ये अपनी सेक्रेशंस को इसके साथ मिला देते हैं। क्योंकि इसकी जो इंजाइमेटिक सेक्रेशंस होते हैं उनमें फ्रक्टोस होता है, उनमें कैल्शियम होता है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये स्पर्म जो है वो एनर्जिक रहता है, उसकी मोटिलिटी जो है वो बरकरार रहती है, मेंटेन रहती है, ठीक है। यहाँ पे जब ये पहुँचा, यहाँ से जब ये पहुँचा, यहाँ इजैक्यूलेटरी डक्ट तक जब ये पहुँचा, और यहाँ पे ये आगे की ओर बढ़ेगा, आगे जब ये पहुँचेगा ये यूरिथ्रा में जाके आएगा, यूरिथ्रा। देखिए मेल्स के अंदर एक खास बात होती है, जहाँ से उनका यूरिन पास आउट होता है, एक्सक्रीट आउट होता है, वहाँ से ही उनका सीमन भी एक्सक्रीट आउट होता है, क्योंकि एक ही
पैसेज होती है, एक ही एक्सेस होता है, एक कॉमन पैसेज होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे यूरिथ्रा में आएगा, और यूरिथ्रा में जब ये पहुंचेगा, यूरिथ्रा में जब पहुंचेगा आगे जाके यहाँ पे ये यहाँ पे ग्लांस पिनस है, ग्लांस पिनस है, यहाँ पे ये इसकी इजैकुलेशन होगी। ये यहाँ पे ग्लांस पिनस है, ठीक है, ये ग्लांस पिनस है, और ग्लांस पिनस की जो ऊपर वाली कवरिंग जो होती है, जिसे ढका हुआ होता है, उसको हम फोर स्किन बताते हैं, फोर स्किन बताते हैं। हमारी जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, और जो जीविस होते हैं वो क्या करते हैं, उनका एक पिछला ट्रेंड रहा है, वो इस फोर स्किन को रिमूव कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है। वो सर्कमसेशन कहते हैं, जिसको हम खुतना बताते हैं, वो इस फोर स्किन को रिमूव कर देते हैं। और इसकी जो इम्पोर्टेंस है आज के ज़माने में पता चल जाती है, ये एक साइंटिफिक रिसर्च की गई है, ये जो जिन्होंने ये सर्कमसेशन किया हुआ है उनके अंदर जो HIV जो डिजीज होती है, जो एड्स होता है, उनके अंदर बहुत सा कम चांसेस होते हैं वो होने के, डिजीज़ होने के। और बाकी जो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड जो बाकी डिजीज होते हैं तो वो उनके अंदर नहीं होते हैं, उनको बहुत सा कम चांसेस होते हैं वो डिजीज लगने के, ठीक है। ये फोर्थ स्किन, ठीक है। और एक बार हम इस माइक्रोस्कोपिक व्यू को देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को देखेंगे, यहाँ पे टेस्टिकुलर ग्लोब्यूल्स होते हैं, टेस्टिकुलर ग्लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं, मैंने बताया था। ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो है, अगर मैं इसको यहाँ पे जूम आउट करके दिखाऊं, ठीक है, जूम आउट करके दिखाऊं, इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर क्या होते हैं, बहुत प्रेजेंट होते हैं ये, इस ये जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होता है यहाँ पे बहुत सारे मेल जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। और इन ये जो मेल जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर, इनके बीच में ये यहाँ पे इनलार्जड सेल्स भी होते हैं कुछ, यहाँ पे इनलार्जड सेल्स भी होते हैं कुछ, जिनको हम सर्टिलाइज सेल्स बताते हैं, सर्टोलाइज सेल्स बताते हैं। जो ये सर्टोलाइज सेल्स होते हैं ये किस लिए होते हैं, ये मेल जर्म सेल्स को क्या करते हैं, इनको न्यूट्रिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल जो है, इनके बीच में एक ग्रुप ऑफ सेल्स पाया जाता है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स पाया जाता है जिनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स बताते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स बताते हैं, यहाँ हम इनको लेडिंग सेल्स बताते हैं। इनका क्या काम है, ये इंडोक्राइन सेक्रेशंस को सेक्रीट करता है, वहाँ पे ये एंड्रोजनस को बनाता है। आपने सुना होगा मेल्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है जिसको हम बताते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये जो लेडिंग सेल्स होते हैं ये टेस्टोस्टेरोन को मोबिलाइज करते हैं, उसकी जो ये एक्टिविटीज होते हैं उसको ये रेगुलेट करता है, ठीक है, उसकी सर्विस को ये एक्टिव कर देते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि स्पर्म की फॉर्मेशन कैसे होती है, ओके। और हम ये देखेंगे कि मेल्स के अंदर जो जो पिन्स होती है वो उसमें इरेक्शन कैसे आती है, वो इरेक्ट कैसे हो जाता है, ठीक है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, देखिए आपको पता होगा हमारे घर के अंदर जो बुजुर्ग हजरात होते हैं उनको क्या होता है, उनको मतलब फ्रीक्वेंटली ये यूरिन आने की टेंडेंसी होती है, जिसकी वजह से उनको ड्रिबलिंग होता है, आपने सुना होगा ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। तो उनको उनके जो कपड़े होते हैं वो बार बार ख़राब हो जाते हैं, उनको वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, यूरिन ड्रॉपलेट्स उनको कंटिन्यूसली लीक होते रहते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको उसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो उनके अंदर क्या होता है, उनको जो ये उनके अंदर जो प्रोस्टेट होता है ये इनलार्ज हुआ होता है, ठीक है, इनलार्ज हुआ होता है। तो ये जब इनलार्ज होगा तो फिर डिजीज होती है जिसको हम बताते हैं प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा, ठीक है, यह हम उसको बताते हैं हाइपरप्लेजिया, ठीक है। ये एक प्रोस्टेटिक कैंसर है, ये प्रोस्टेट जो है ये इसका इनलार्जमेंट होता है, और इनलार्जमेंट की वजह से क्या होता है, आगे जाके क्या होता है, जो ये यूरिथ्रा होता है ये ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उन लोगों को, जो हमारे ग्रैंडपास होते हैं, जो ओल्ड एज्ड पर्सन होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है यूरिन को मतलब पास आउट करने में, ड्रेन करने में, ओके। तो आज ये था, आज हमने पढ़ा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये स्पर्म का जो पाथवे है वो कहाँ से है, कौन सा डक्ट कहाँ पे खुलता है। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया देन प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।